बीमारियों से, आपके अलग अलग प्रकार के टांग के जो रोग हैं, मैं आपको खुदाबंद का रूप छोते हुए देख रहा हूं। आपके टांगों के रोग हैं, आप पीड़ित थे जब आप आए सुबह, पर खुदाबंद ने आपके इस दुख पर भी दृष्टि की है। और जब बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और फिर जो आगे आए, अभी हम इस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सो नहीं पाती। मैं इतों लैके थले थले बहुत ज्यादा दर्द होती है, मैं इतों बैठा भी नहीं जाता, मैं कदे आया नहीं कदे हूं। तो मैं घरों बोल के आई थी कि परमेश्वर आज तुम मेरे लिए बोलोगे, और परमेश्वर ने मेरे लिए बोलिया, मैं चंगी हो चुकी। यस, ये रोना नहीं है, आनंद करो, आनंद करो। उसने कहा किसी भी बात की चिंता नहीं। तो तीन साल से आपने इसे इसकी मेडिसिन भी खाई होगी? हां जी पापा, बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन फर्क नहीं से पैंदा। जितना कि जर मेडिसिन का असर रहता है, उतना तेरा दर्द टिक रहेगी, लेकिन फिर उसी से मेडिसिन खाते तो जितना देर तक खाते तब तक असर रहता था, फिर वैसी फिर दर्द आ जाती। और ये तीन साल से ये प्रॉब्लम थी। सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि तीन साल हो गए इनके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, और रात के टाइम इनके टांगों में चिस्के पड़ती थी। और जब बता रहे कि इनको इस प्रॉब्लम के कारण तीन साल हो गए थे कि नींद नहीं आती थी। जब बता रहे कि कभी कभी जब इनको नींद तो आ जाती थी, पर जैसे जो प्रॉब्लम अगर शुरू होगी तो इनकी जो नींद थी उसके बाद इनको आती नहीं थी। और जो बता रहे हैं कि इन्होंने मेडिसिन भी खाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जैसे जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हो सकता है कि जो आपका बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और जैसे इनको इन्होंने अपना ब्लड चेक करवाया तो जो बता रहे हैं कि इनका जो खून था वो 5 ग्राम था। तो फिर इन्होंने परमेश्वर के आगे विश्वास किया और जो धन्यवाद करते रहे। और जो बता रहे कि जब इन्होंने फिर से खून टेस्ट कराया तो फिर 7 ग्राम हो गया, पर जो प्रॉब्लम थी फिर से अभी तक वो बनी थी। फिर भी प्रॉब्लम, दर्द रहती थी इनकी टांगों में, रात के टाइम नींद नहीं आती थी, चिस्के पड़ती थी। तो जो बता रहे कि जैसे फिर जो सिस्टर 5 फरवरी की मीटिंग में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जो बता रहे कि उस दिन उन्होंने घर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर आज जो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, चिस्के पड़ती है, मैं सो नहीं पाती, परेशान हो, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज मुझे अब मेरे लिए बोल चुके हो। और जैसे इन्होंने प्रार्थना की तो उस दिन जो बता रहे कि परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड्स आया कि जिनकी टांगों में प्रॉब्लम है, दर्द है, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। बीमारियों से, आपके अलग अलग प्रकार के टांग के जो रोग हैं, मैं आपको खुदाबंद का रूप छोते हुए देख रहा हूं। आपके टांगों के रोग हैं, आप पीड़ित थे जब आप आए सुबह, पर खुदाबंद ने आपके इस दुख पर भी दृष्टि की है। आपके टांगों के, मैं नहीं जानता ये क्या क्या आपको रोग है आपके, और खुदाबंद का रूह आपको छू रहा है। मैं कहता हूं उसका रूह आपको छू रहा है, और आप हील हो रहे हो, चंगे हो रहे राइट नाउ। जो नहीं होता वो। और जो बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और फिर जो आगे आए, अभी हम इस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। ज्यादा दर्द होती रात नूं, मैं सौ नहीं पाती। हाँ, मेरे इतों लैके थले थले बहुत ज्यादा दर्द होती है, मेरे को बैठा भी नहीं जाता, मैं कदे आया नूं नहीं कदे आऊं। तो मैं घरों बोल के आई थी कि परमेश्वर अज तुसी मेरे लिए बोलोगे, और परमेश्वर ने मेरे लिए बोलिया, मैं चंगी हो चुकी। यस, ये रोना नहीं है, आनंद करो, आनंद करो। उसने कहा किसी भी बात की चिंता, गाओ कुछ खुशी वाला, गाओ कुछ। तो जो बता रहे कि जैसे जो आगे और उसी दिन ही प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ, जो बता रहे उस दिन से परमेश्वर ने जो इनकी टांगों में दर्द रहती थी, प्रॉब्लम थी, और जो बता रहे कि परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको फ्री कर दिया। उस रात इन्होंने जब जो सोए भी अच्छे से, कोई चिस्के नहीं पड़ी, अच्छे से नींद आई, कोई दर्द नहीं हुई, और परमेश्वर ने उस दिन से लेकर आज तक जो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके। और हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करेंगे। सुनो, ये उसी दिन आपको, उसी दिन ही खुदावन ने चंगा कर दिया था, जिस दिन। ये कितनी तारीख की?
ये प्रोफेटिक वर्ड जब परमिशन कितनी तारीख को है? 5 फरवरी। 5 और 5 फरवरी और आज कितनी है? 19। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 14। 19 और 24। हाँ 19। हाँ 14 दिन नहीं, 5 फरवरी को ना जी, आज 19 फरवरी। अच्छा 19 है, 14 दिन हो गए, सॉरी। तो आज 14 दिन हो गए, अपने अच्छे से चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? पापा जी मैं गवाही पिछले संडे भी लिखवाना चाहती थी लेकिन आओ, दे नहीं पाए। ओके, तो अच्छा हो गया, और भी चेक हो गया अच्छे से, तसल्ली से। उसी दिन ही परमेश्वर ने हील कर दिया। ये कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम थी? पापा जी 3-4 साल तो ही, मतलब रात को मैं जाग आ जाती, फिर मैं नींद नहीं सी आती, लत्तां तलखी होती बहुत ज्यादा, मतलब चिस्का जैसे पड़ती थी, मतलब जैसे चिस्का समझते हो ना? हाँ चीसा जिसे बोलते हैं ऐसे। मैं प्रार्थना करती हूं दी, मैं कहती परमेश्वर तुसी एक दिन मेरे लिए भी बोलोगे। मैं पापा जी ने गल नहीं की लेकिन मैं परमेश्वर ने बोल दी रही। जो भैन भरा इतने गवाही देंदे मैं कहती हूँ परमेश्वर यस तुसी मेरे लिए भी बना चुके हो, लेकिन अज मैं बिल्कुल वधिया वा, खुश हाँ, अज मेरिया लत्तां बिल्कुल वधिया वा, मैं रात को अच्छी तरीके ना सोनी हूं। जो बंदा 3 साल से परेशान था पर विश्वास में बना हुआ था, और जिस दिन ये खुदावन के आगे प्रार्थना करके आई कि परमेश्वर आज मेरे लिए बोलोगे, आप क्या करोगे? आपने अभी स्वर्ड में देखा कि आज परमेश्वर ने जितने लोग टांगों के क्या है, और उस दिन बहुत सारे थे, ये भी एक प्रोफेटिक वर्ड था। मैंने कहा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बोले क्या है? मैंने कहा था कि एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ये भी उस दिन इन्होंने उस दिन उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, ये आगे आए। अभी आपने देखा कि ये उस समय रो रहे थे, क्या रहे थे? तो मैंने कहा रोना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद करने के लिए कहा है, और ये कह रहे हैं आज मैं प्रार्थना करके आई थी। और खुदा ने कितना एग्जैक्ट इनके लिए बोला कि ये जो कोई भी है उनकी टांगों में, और आज परमेश्वर ने आपके दुख पर दृष्टि की है। क्या की आपके दुख पर? क्या की उसने? दृष्टि की। तो आज आपके सामने है, देखो आज 14 दिन हो गए। हाँ बोलो, कहें कोई कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं है, नहीं तो 3 साल से आपने इसे इसकी मेडिसिन भी खाई होगी? हाँ जी पापा जी, बहुत ज्यादा खाती, बहुत ज्यादा खाई, लेकिन फर्क नहीं सी पैंदा, जिन्ना कि चिर मेडिसिन दा असर रहिंदा ही उन्ना कि चिर दर्द हटी रहिंदी, लेकिन फिर उसे तरह मेडिसिन खाते तो जितना देर तक खाते तब तक असर रहता था, फिर वैसी फिर दर्द आ जाती। और ये 3 साल से आप ये प्रॉब्लम थी आपको, देखो। पर कुछ लोग कहां पर बनते हैं इतना लंबा समय? हाँ पर ये बने रहे, क्या रहे? बने रहे खुदा के साथ, एक अच्छे मन से, एक अच्छे शास से। और परमेश्वर ने उस दिन के लिए स्पेशली बोला कि आपके दुख पर दृष्टि की है, और आज आपके सामने भले चंगे हैं। ये खड़े होके ये खुदावंद की तारीफ करने वाली बात है, ये छोटी बात नहीं है। जो 3 साल से बंदा इतना परेशान है, इतनी मेडिसिन खाने से भी उसे आराम नहीं मिल रहा, आज आपके सामने 14 दिन भले चंगे हैं। जो पूरी रात सो नहीं पाते थे, आज देखो कुछ नहीं है उस दिन से। इसलिए जब खुदावंद स्वर्ग से देता है तो वो अर्थ ठहर कर, बोलो अपने पड़ोसी को, वो उसके पास नहीं जाता, वो तेरे लिए भी आज भेजेगा और तुझे भी चंगा करेगा और ब्लेस करेगा। तारीफ करो जोर से, जोर से। मैं देनी गवाही सुना दी, मैं देनी गवाही सुना दी, मैं देनी गवाही सुना के यीशु मैं तू चंगा करिया, किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो।
आमेन।